आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे डोसा। डोसा बनाने के लिए मैंने ये ले लिए है 1 कप सफ़ेद उड़द की दाल, और ये मैंने 1 कप लिए हैं चावल। और अब हमें इसको 6 से 7 घंटे भिगो देना है अच्छे से पानी में, जिससे कि हमारी दाल अच्छे से भीग जाए। उसको हमें 6 से 7 घंटे अच्छे से भिगाना है। 6 से 7 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं चावल हमारे बहुत गंदे थे, इनको हमें अच्छे से धो लेना है। और ये दाल भी आप देख सकते हैं, चावल आप देख सकते हैं साफ हो गए हैं हमारे, और ये दाल भी मैंने भिगो दी थी, तो इसे भी हमें अच्छे से धो लेना है। 6-7 बार इसमें अच्छे से साफ पानी डाल के धो लें इसको, जिससे कि हमारी सारी मिट्टी निकल जाए और चावल और दाल हमारी अच्छे से साफ हो जाए। आप देख सकते हैं दाल और चावल मैंने अच्छे से धो लिया है, और ये कितने साफ हो गए हैं दोनों चीज़ें। और अब हमें इनको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और अब हमें दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ग्राइंडर में डाल लेनी है, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है हमें, और अब इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करना है। मैंने दाल और चावल को ग्राइंड कर लिया है, और अब हमें देखना है, देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और अब हमें हाथ लगा के देखना है इसमें दाने तो नहीं है ना। इसमें ग्राइंड करने के बाद दाने नहीं रहने चाहिए, और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसे निकाल लेना है, और सारी दाल और चावल हमें इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। दाल और चावल को पीस के मैंने रख लिया है अच्छे से, देख सकते हैं आप, और अब हमें इसको 4 से 5 घंटे भीगने देना है, और इसको ढक के रख देना है, फिर हम इसके डोसे बनाएंगे। ये घोल तैयार हो गया है, 4 घंटे हो गए हैं इसको, और अब हमें इसके डोसे बनाने हैं। तो सबसे पहले ये घोल थोड़ा सा हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, और अब हमें इस डोसे के घोल को थोड़ा सा पतला करना है, तो थोड़ा सा हमें इसमें पानी ऐड कर देना है, और इसे हमें बैटर को थोड़ा सा पतला बना लेना है, ज्यादा पतला ना करें। बैटर को हमने पतला कर लिया है, और अब हमें इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, और थोड़ा सा हमें इसमें ऐड कर देना है मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है, और अब इसको हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, और अब हमें डोसे बनाने हैं। ये तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको हमें अच्छे से पोंछ लेना है पहले। और अब हमें वो बैटर इसमें डालना है। और इसे हमें अच्छे से फैला लेना है गोल गोल। बैटर मैंने अच्छे से फैला दिया है, और अब इसके चारों तरफ हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, जिससे कि ये तवे पे चिपके ना। और गैस को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। अब हमें देखना है ये पीछे से सिका या नहीं, तो इसे हमें पलट के देखना है। इसका हल्का हल्का रंग आ गया है, इसको थोड़ा सा और ब्राउन होने दें। और अब जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी, वो हमें इसमें भर देनी है। स्टफिंग मैंने इसमें फिल कर दी है, और इसको अब हमें पलट देना है, तो एक साइड से ऐसे मोड़ देना है, और इसको हमें डोसा बना देना है, और इसे हमें निकाल लेना है। अब ऐसे ही करके सारे डोसे हमें तैयार कर लिए। डोसा हमारा बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, इसका रंग भी अच्छा आ गया। इसे हमें अच्छे से सेक लेना है, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आएगा मतलब। और ये हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, नारियल की चटनी भी बना सकते हैं आप लोग, और ये इसे हम सांभर के साथ भी खा सकते हैं। सांभर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं और सांभर बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।